गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस, टाइम देखिए, आप लोग सुबह की 9 बज चुकी हैं और आज है संडे, यानी कि आज है 24 जनवरी। और मैं जस्ट अभी नहा धो के अपना, मतलब मैं थोड़ा स्किन केयर किया हुआ, आप लोग को दिख ही रहा होगा। वैसे आज का मेरी स्किन गाइस बहुत ज्यादा डल हो गई है, झाइया झुरियां और कुछ इस तरीके के ना वो दाग नहीं होते, ड्राइनेस वाले दाग होते हैं, जो वो हो गए पूरे फेस पे, जो कि मेरे विंटर में होते ही होते हैं। सो जस्ट अभी मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं सैंडविच। देखते हैं सैंडविच, वैसे तो हमारी दो, मतलब घर वालों की दो वो आ रखी है कि ये तो सैंडविच बनाओ, ये तो ब्रेड पकौड़ा बनाओ, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है बाहर। अभी जस्ट मैं आपको दिखाऊंगी मौसम कैसा हो रखा है बाहर। तो हम सोचे थे कि ब्रेड पकौड़े बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इस वजह से हम सोचे थे सैंडविच बनाते हैं। तो अभी मैं नीचे जाके देखती हूँ क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या नहीं बनाते हैं। और अभी मैं जस्ट उठी हूँ, घर वाले तो नीचे उठ चुके हैं और हस्बैंड हमारे भी सो रखे हैं अभी, जो कि मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी उनको, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है जब तक वो भी फिट फोर होके कैमरा के सामने ना आ जाए, उनको अच्छा लगता है ऐसे दिखाना। तो छोड़ो, नहीं दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, आप सोचेंगे यहाँ पे अंधेरा हो रखा है, मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे मेरे बैग पैक हो चुके हैं, और बैग पैक कहाँ के लिए हुए हैं वो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। मैं जा रही हूँ अपने माइक के, तो बस अभी 2-4 दिन ही बचे हैं, मैं चले जाऊंगी 5 फरवरी में चले जाऊंगी मैं। तो ज्यादा बकबक नहीं करती हूँ, सीधा पहले आपको मौसम दिखाती हूँ कि आज यहाँ पे कैसा मौसम है। वैसे न्यूज में बोला गया था कि आज बारिश आएगी, बट बारिश तो नहीं, बट बहुत ज्यादा ठंडा है। मे भी बारिश आ सकती है, शाम तक आ सकती है या फिर दोपहर तक आ सकती है, बट अभी मैं आपको मौसम दिखाती हूँ और फिर मैं जा रही हूँ नीचे चाय वाय पीने, और देखते हैं क्या बनाते हैं। ठीक है, आओ फिर। सो सबसे पहले आप लोगों को मैं मौसम ही दिखा रही हूँ, आ गई हूँ बाहर। आप लोग सोचो कि जब भी ये वीडियो बनाती है हमेशा इसके घर के आसपास अंधेरा रहता है, मैंने अंधेरा किया रहता है भाई, मैं लाइट ज्यादा नहीं जलाती हूँ, बिल आ जाता है ना। रुको अभी मैं ऐसे ही करके दिखा रही हूँ, बट आपको ऐसे करके नहीं, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, मौसम देख रहे हो, बुरा हाल हो रखा है। हवा भी चल रही है, आपको दिख ही रहोगे, पत्ते हिल रहे हैं, हवा चल रही है, ठंड बहुत ज्यादा है। लेकिन 2-3 दिन से गाइस यहाँ पे बहुत अच्छी, मतलब धूप थी 2-3 दिन से बहुत अच्छी धूप थी, बट आज यहाँ थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, बट मौसम चेंज तो होता ही है यार। और मेरे दरवाजे बिल्कुल पैक हो जाते हैं जब ना ऐसा होता है, मतलब आप लगा लो धुंध वगैरह होती है, मैं दरवाजे वगैरह बंद करके बिल्कुल, मतलब हवा नहीं आनी चाहिए घर के अंदर, ऐसा कर देती हूँ, पैक कर देती हूँ। चलो अभी चलते हैं नीचे, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अभी मैं बना रही हूँ लस्सी, आपको दिखाती हूँ। पहले यहाँ पे ये हमने जो मलाई थी वो जमा के रखी थी, इसमें थोड़ा सा हमने दही, मतलब हम दही डालते रहते थे वीकली में, दही हर वीक इसमें दही डालते थे। हमने मतलब मलाई जमा के इतनी कर दी पतीला। तो अभी हम इसे क्या करेंगे, ग्राइंडर मशीन में डालेंगे, ग्राइंडर मशीन में ज्यादा नहीं डालना है, बहुत कम डालना है। तो हम इसे ग्राइंडर मशीन में डालेंगे, आपको शायद से अंधेरा आ रहा है बट अभी ठीक आएगा, लाइट बंद थी ना।
तो मैंने इसमें जो मलाई थी वो ऐड कर दी है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी ऐड करूंगी, क्योंकि आजकल विंटर है तो गुनगुना पानी ऐड करना बनता ही बनता है। तो थोड़ा सा मैं इसमें गुनगुना पानी ऐड करूंगी और उसके बाद इसको ग्राइंड करूंगी। बहुत सारा करेंगे कि इसमें मतलब क्या हाल हुआ है लस्सी का। तो देखिए आप लोग, मक्खन बनने वाली है बट इसमें अभी हमें थोड़ा सा कूल वाटर यानी कि ठंडा पानी ऐड करना पड़ेगा। आप लोग देखिए इसमें थोड़ा सा ही पानी है, तो इसे मैं इसमें ऐड करूंगी। देखिए ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मैंने इसे ऐड कर दिया है। अब मैं इसे फिर से गर्म करूंगी। ओके, ये देखिए मक्खन बिल्कुल रेडी है। अब मैं इस मक्खन को निकालूंगी किसी बर्तन में, क्योंकि ये देखो पहले भी मैंने मक्खन बना के निकाल लिया, अभी मुझे और बनाना है। यहाँ पे देखिए देखिए सकते आप लोग इतना है अभी जो बनाना है। तो बस मैं जब तक इस मक्खन को बनाती हूँ तब तक ये देखो, तो अभी मुझे इस मक्खन को निकालना है। बस गाइस बहुत ही ईजी तरीका है मलाई से मक्खन बनाने का, जो मैंने आपको बता दिया। आप लोगों ने मलाई इकट्ठा करना है, उसमें आपने थोड़ी सी कर्ड यानी कि दही डालना है, वो वीक में हफ्ते हफ्ते में दही डालना है। और जब आपका किसी बड़े बर्तन में ये बहुत फुल भर जाए उसके बाद आप लोगों ने निकाल के जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इसमें डाल के बनाना है, उस तरीके से ये बन जाता है। तो इसमें मैंने आपको रेसिपी भी बता दी। तो चलो मैं इस मक्खन को निकालती हूँ और उसके बाद मैं मतलब पूरा मक्खन बनाती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। और सामने से आप लोग देख सकते हैं मैंने आलू रखे हुए हैं टोस्ट के लिए, सैंडविच बना रहे हूँ। टोस्ट तो बोले तो सैंडविच बना रहे हूँ, तो वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, तब तक मैं अपनी लस्सी बना रही हूँ। ओके चलो। तो गाइज अभी जस्ट मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया और आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज टोस्ट बनाए थे हमने यानी कि सैंडविच बनाए थे। और जिसमें हमने सैंडविच बनाया था मतलब सैंडविच जो मेकर हमारा है वो हम कल ही लाए हैं और काफ़ी अच्छा है, लाइफ लॉन्ग कंपनी का है, काफ़ी अच्छा है। सो अभी थोड़ा मैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि आजकल मैं अपने वेट पर थोड़ा सा मतलब ध्यान दे रही हूँ, तो अभी मैं आजकल क्या करती हूँ, जब भी कुछ खाती हूँ 10 मिनट बाद मैं थोड़ा सा घूमना स्टार्ट करते हैं ताकि जो मेरा खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे घूम रही हूँ और मौसम देखिएगा, इस मौसम का हाल देखिए आप। तो गाइस अब हम लोग अपने लंच की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लंच में बना रहे हैं सामक की खिचड़ी, आप सामक का पुलाव भी बोल सकते हैं। सामक आप लोगों को मार्केट में आसानी से मिल जाता है और हमारे उत्तराखंड में तो मतलब सामक का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और हमारे उत्तराखंड के लैंग्वेज में इसे झंगोरा बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छा मतलब इसका टेस्ट होता है और व्रत में भी काफ़ी लोग इसे खाते हैं।
सो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है, हमने 2.5 कटोरे सामक लिया हुआ था जिसे हमने वॉश कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने फूल गोभी और थोड़ा सा गाजर यहाँ पे कट कर ली है। गाजर हमने ज्यादा पतले नहीं किए हैं, थोड़ा मोटे ही रखे हैं, ज्यादा पतले नहीं किए हैं। और आप लोग गोभी भी देख सकते हैं, गोभी भी हमने ज्यादा पतले नहीं किए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे काट दिए हैं 4 से 5 टमाटर और थोड़ी सी ग्रीन चिली और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे हरी मटर ले ली है। तो सामक का पुलाव बनाने के लिए हमने सबसे पहले कुकर में रख देना है तेल। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और अब मैं इसमें जीरा ऐड कर दूंगी। जब जीरे का कलर आ जाए तो उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी गाजर और गाजर को अच्छे से फ्राई कर दूंगी। गाजर के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी फूल गोभी, उसके बाद मैं हरी मटर इसमें ऐड कर दूंगी और उसके बाद मैं इसमें ग्रीन चिल्ली और टमाटर को ऐड कर दूंगी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इस बात का गाइस हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग सामक का पुलाव बनाएं तो हमें जो भी हम इसमें वेजिटेबल डालते हैं इन्हें अच्छे से फ्राई ज़रूर करना होता है ताकि जो हमारी वेजिटेबल हैं वो थोड़ी सी पक जाएँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें डाल दिया है और इसे मिक्स कर दिया है अच्छे से। तो मसाले में सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ही मैंने हल्दी पाउडर लिया हुआ है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, वो भी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही लिया हुआ है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ग्रीन चिली डाल दी है। उसके बाद मैंने ले लिया है धनिया पाउडर और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है सब्जी मसाला। उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। नमक आप लोग अपने स्वादानुसार ऐड कर सकते हैं, हम लोग अपने स्वादानुसार इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। उसके बाद मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और मिक्स करने के बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। सो आप लोग देख सकते हैं गाइज हमारी जो सब्जियां हैं वो आधी से ज़्यादा मतलब पक चुकी हैं और इसमें ऑलरेडी पानी भी आ गया है, सब्जी का जो पानी है वो आ गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सामक चावल और जो मैंने वॉश किया था जो इसमें पानी था उसे मैं इसमें डाल दूंगी और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैं इस पर ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और 15 मिनट के बाद गाइज आप लोग देखोगे कि जो हमारा सामक है यानी कि हमारे जो सामक का पुलाव है वो बनके रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है गाइस, आप लोग भी इसे बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। जस्ट अभी हमारा लंच हुआ है, आप लोगों ने देख लिया लंच में हमने क्या बनाए थे। हाँ जी, आज हमने बनाई थी सामक की खिचड़ी, पुलाव बोल सकते हैं आप लोग। सो अभी मैं आ रही हूँ, ये पी रही हूँ मैं गर्म पानी, जो कि मैं चाहे ब्रेकफास्ट करूँ, लंच करूँ, डिनर करूँ तो मैं गर्म पानी ही पीती हूँ आजकल तो ज़्यादातर। सो अभी यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस सुबह मौसम कैसा था मैंने आपको दिखाया था ना, और अभी आप मौसम देखो, हल्की हल्की धूप आ गई है और अच्छा लग रहा है हल्की हल्की धूप, क्योंकि हवा भी चल रही है, धूप भी है, थोड़ा सा मतलब होता है ना गर्माहट, गर्मी भी हम लोग ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ठंड भी है, तो मेरी कैप भी पहनी है मैंने। सो चलो, तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ पार्क में, आप लोग देख सकते हैं मैं हूँ पार्क में और मैं पार्क में आई हूँ वॉक करने। आजकल मैं डेली पार्क में वॉक करती हूँ, 2 घंटे में मतलब वॉक करती हूँ, 4 बजे से 6 बजे मैं वॉक करती हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी क्योंकि संडे था और घर पे सभी थे, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी आ गई। आज मैं आई थी 3:30 पे और अभी टाइम 4 बज चुके हैं और बस मैंने आधी से ज़्यादा अपनी वॉक कर ली है। तो चलिए गाइज अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा मेरी लेंथ ही हो गई है और मैं आप लोगों को मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आप लोग को आज की मेरी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी गाइज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी, बाय, लव यू ऑल, सी यू सून।